चॉकलेट चीज केक, वो भी बस कुछ घर की सिंपल चीज़ों से। जी हाँ दोस्तों, इस सॉफ्ट मुलायम चॉकलेट चीज केक में ना ही हमने मार्केट की चीज़ का इस्तेमाल किया है, ना कोई क्रीम और ना ही कोई फैंसी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। इतना ही नहीं, मैंने तो इसे बिना किसी मोल्ड के बनाया है। कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ों से बना ये चीज़ केक बहुत ही फ्लेवरफुल है, और इसे फ्लेवरफुल बनाया है हमने एक होममेड डिलीशियस चॉकलेट स्प्रेड से। ये चॉकलेट स्प्रेड बस डिलीशियस ही नहीं बल्कि बहुत ही हेल्दी है। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से युक्त ये स्प्रेड आप बच्चों के टिफिन में ब्रेड या रोटी पर लगाकर दे सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जनरली ऐसा केक इस तरीके के स्प्रिंग फॉर्म टिन में बनाया जाता है, पर जैसे मैंने बोला, हमारे इस केक के लिए किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई ऐसी कटोरी होना घर में तो इसी से काम हो जाएगा। साथ में ही इस तरीके की OHP शीट स्टेशनरी स्टोर में आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगी। तो OHP शीट लेकर इसे बीच में फोल्ड करना और फिर यहाँ से कट करके तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इसे। अब कटोरी के साइड में बिल्कुल टाइटली होल्ड करना इस शीट को, फिर सेलो टिप की सहायता से टाइटली चिपका भी देना इसे। OHP शीट के दूसरे पार्ट को भी इसी शीट पर इस तरीके से चिपका देंगे ताकि ये मोल्ड एकदम अच्छा, थीक और स्ट्रॉन्ग बने। तो ये रेडी है। अब यहाँ पर एक प्लेट ली है मैंने छोटी सी, इसके बाहर के साइड में हम इस मोल्ड को फिक्स कर देंगे। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे ना, इस मोल्ड के एक साइड में ऐसे सेलो टेप के कुछ 3-4 टुकड़े लगाएंगे, और अब ये देखिए सेलो टेप वाली साइड नीचे करके प्लेट पर इसे ऐसे चिपका देंगे हम। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फिट हुआ है, ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। इस मोल्ड में किसी भी प्रकार का मूज केक या चीज़ केक आप काफ़ी इजीली बना सकते हो। चलिए अब इसके अंदर की प्लेट को तेल या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और अब देखते हैं एक्चुअल रेसिपी। सबसे पहले हम केक का बेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने ओरियो बिस्किट के 2 छोटे-छोटे पैकेट्स लिए हैं। इसमें से एक पैकेट के सारे बिस्किट और दूसरे में से 2-3 बिस्किट, मतलब टोटल 7-8 बिस्किट मिक्सिंग जार में डाल देना और अच्छे से ग्राइंड कर लेना इन्हें। अब इस बिस्किट पाउडर को एक बाउल में निकाल कर इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पिघला हुआ बटर। बटर को भी इसके साथ अच्छे से मिला देना, और जब ये मिक्स हो जाए इस मिक्सचर को अपने इस होममेड मोल्ड में डाल देंगे। पूरा मिश्रण डालने के बाद चम्मच से अच्छे से प्रेस करना इसे, और फिर ना मैं इसे ऐसे एक ग्लास से प्रेस करूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाए। सेट होने के लिए इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे हम, और तब तक चलिए बनाते हैं दूध से चीज़ केक। उसके लिए एक पतीले में 2 कप मतलब 1/2 लीटर दूध लेना, और लो मीडियम फ्लेम पर पहले दूध को अच्छे से गर्म करना। जब तक दूध गर्म हो रहा है ना, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे हम ताकि इसकी मलाई नीचे तले में चिपके ना। वैसे आप इस रेसिपी के लिए पहले से उबाला हुआ दूध भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कच्चा दूध लिया था ना, इसलिए पहले अच्छे से गर्म कर रही हूँ मैं इसे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए और उबलने लगे, फ्लेम को बिल्कुल लो करना। और अब ये देखिए मैंने 1/2 लेमन के जूस में पानी डालकर इसे डाइल्यूट कर लिया है। इसको इस दूध में डाल देंगे। दूध के साथ इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे, और आप देख सकते हो जैसे जैसे लेमन जूस दूध में मिलता जाएगा ना, दूध गर्डल होने लगेगा। तो इसे ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहना। दूध और पानी पूरी तरीके से सेपरेट होने तक आप इसे अच्छे से मिलाते रहना। ये देखिए दोस्तों, जब ऐसे दूध और पानी अलग हो जाए ना, फ्लेम को बंद करके इसे हम एक कपड़े से अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद एक दो बार इसे हम पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें नींबू की खटास ना रहे। और इस तरीके से इसमें से एक्स्ट्रा का पानी हटाकर ये देखिए एक पतीले में इसे निकाल लेना। पहले थोड़ा सा स्मैश करना इसे, और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी को इसमें थोड़ा सा मिलाकर हम ना इसे 2 मिनट गैस पर गर्म करेंगे ताकि चीनी जल्दी से इस मिश्रण में घुल जाए और मिश्रण मिल जाए। चलिए दोनों चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अब फ्लेम को बंद कर देना। अब इससे चॉकलेट चीज केक बनाने के लिए या तो आप इसमें आपके पसंद का कोई भी चॉकलेट जैसे कि डेरी मिल्क या कंपाउंड चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये न्यूटेला भी यूज कर सकते हो। ये चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड होता है, इससे भी चीज़ केक में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा।
पर ये काफी महंगा रहता है। वैसे हेजलनट से आप इसे घर में भी बना सकते हो, या तो ये देखिए ऐसा पीनट बटर स्प्रेड भी मार्केट में काफी इजीली मिल जाता है। ये चॉकलेट पीनट बटर भी आता है, वो यूज करो तो मजा ही आएगा। पर आज हम इनमें से कोई भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम घर में चॉकलेट पीनट बटर बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। इस प्रोटीन रिच पीनट बटर में काफ़ी सारे विटामिन्स, ओमेगा फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो ये रेसिपी कितनी टेस्टी और हेल्दी बनेगी ये आपको और बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ऐसा हेल्दी और टेस्टी पीनट बटर बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे 1 कप भरकर पीनट्स मतलब मूँगफली। इस रेसिपी के लिए इसमें से आधी ही क्वान्टिटी लगेगी, ठीक है। चलिए अब पहले लो मीडियम फ्लेम पर इस मूंगफली को अच्छे से भून लेना। कुछ 5-6 मिनट के बाद ही जब मूंगफली चटकने लगे तो फ्लेम को बंद कर देना और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना पहले। अब ठंडा होने के बाद ये देखिए मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, इस मूंगफली को पहले कुछ सेकेंड्स के लिए पीस लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से पाउडर बनी है इसकी, पर हमें इससे बनाना है पीनट बटर। तो ढक्कन लगाकर फिर से कुछ सेकेंड से इसे पीसना। और अब देखिए जैसे जैसे आप इसे पीसते जाओगे ना, मूंगफली अपना तेल छोड़ने लगेगी। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच नमक, और मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हनी, शहद। आप चाहो तो थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब फिर से इसे अच्छे से पीस लेंगे। इस पर हम डालेंगे 1-2 चम्मच पीनट ऑयल या फिर कोई भी पीनट स्मेल का रिफाइंड ऑयल। इससे ना पीनट बटर का टेक्सचर एकदम अच्छा स्मूथ आएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सा मार्केट स्टाइल पीनट बटर बनकर तैयार है। ये देखिए कितना मुलायम है ना, ये मार्केट का भी देखना, कलर टेक्सचर सब कुछ सेम है, टेस्ट भी सेम ही है। अब इससे चॉकलेट पीनट बटर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर थोड़ी सी कड़वी होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा शहद या चीनी आप इसमें डाल सकते हो। और ये लीजिए, ये अपना होममेड डिलीशियस चॉकलेट पीनट बटर बनकर तैयार है। इस रेसिपी में आप पीनट के बदले अगर हेजलनट यूज़ करो ना, तो ये आपका होममेड न्यूटेला बनेगा। बट हेजलनट तो ईजिली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए आप चाहो तो बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज हम इसी चॉकलेट पीनट बटर से अपना चीज़ केक बनाएंगे। तो इस मिश्रण में थोड़ा सा पीनट बटर डालकर मिला देना, फिर ज़रूरत के हिसाब से और थोड़ा सा पीनट बटर ऐड करते हुए मैंने इसमें टोटल 3 चम्मच होममेड चॉकलेट पीनट बटर डाला है। आप आपके हिसाब से इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा रख सकते हो। चलिए अब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल गई है, अब बस ज़रूरत है एक अच्छे स्मूथ टेक्स्चर की। तो इस मिश्रण को हम क्या करेंगे ना, एक मिक्सिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए कुछ ऐसे हुआ है ये। एक्चुअली हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली चाहिए, तो 1-2 चम्मच दूध या फिर दूध की मलाई आप इसमें डालकर मिला सकते हो। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए चाहो तो इसमें आप थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट या चॉकलेट गनाश भी ऐड कर सकते हो। अब ये देखिए, ये है बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी। चलिए अब मोल्ड में इसे पोर करने से पहले इसे ना हम एक पाइपिंग बैग में भरेंगे, ताकि पोरिंग का काम इजी रहे। यहाँ पर ये अपना ओरियो का बेस बहुत अच्छे से सेट हुआ है, तो पाइपिंग बैग से इस मिश्रण को मोल्ड में भर देना। अच्छे से भरना मिश्रण को, ताकि इसमें कम से कम एयर बबल्स रहे, ठीक है। ये देखिए पूरे मिश्रण को इसमें भरने के बाद अच्छे से हिलाना, थोड़ा सा टैप करना इसे, ताकि अगर इसमें कुछ एयर बबल्स बचे भी है तो वो भी निकल जाए। और सेट होने के लिए इसे पहले 4-5 घंटे फ्रिज में, फिर 1-2 घंटे डीप फ्रीजर में रखना। उसके बाद ये देखिए, पहले इसका ऊपर का कवर हटा देना। फिर अंदर का कवर बिल्कुल धीरे से खोलकर देखना। अगर आपको लगे ये थोड़ा भी चिपचिपा है, तो आप इसे और 30 मिनट फ्रीजर में सेट होने देना, ठीक है। ये देखिए पूरी तरीके से सेट होने के बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से निकल रही है। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना।
चलिए अब केक तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। अब इसके डेकोरेशन के लिए आप कोई भी चॉकलेट या कैंडीज इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने क्या किया ना, ये देखिए, ये एक चॉकलेट का मोल्ड है मेरे पास, मैंने अभी रिसेंटली अमेजोन से ख़रीदा था ये। आपको चाहिए तो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से मेल्टेड चॉकलेट में थोड़ी सी मूंगफली के टुकड़े डालकर मिलाए हैं और यही मेल्टेड चॉकलेट इस तरीके से मोल्ड में भर देंगे। ये देखिए, मोल्ड पूरी तरीके से भरने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा टैप करना, थोड़ा सा घुमाना इसे। जब चॉकलेट हर जगह अच्छे से फैल जाए, बाउल में इसे उल्टा पकड़कर इस मोल्ड में से एक्स्ट्रा का चॉकलेट हटा देना। थोड़ा सा इसे क्लीन करके फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। फिर ये देखिए, कितनी प्यारी लग रही है ना ये चॉकलेट की बॉल्स। अब ये देखिए दोस्तों, सबको हम इस तरीके से पीनट बटर से भर देंगे। फिर इनमें एक एक मूंगफली आप चाहो तो इस पर रख देना। अब इन्हें आप ऐसे ही यूज कर सकते हो या फिर ऐसे हल्के से गर्म तवे पर एक बार खींच कर दो टुकड़ों को एक दूसरे के साथ चिपका देना। एक्चुअली बाद में मैंने देखा ना, ये बॉल काफ़ी बड़े लग रहे थे केक पर, तो सेम मोल्ड में मिल्क चॉकलेट डालकर मैंने छोटे साइज़ के बॉल्स बनाकर रेडी किए हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारी आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो में। अब अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।